तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे कैसे आप अपने आईफोन के अंदर 5G नेटवर्क को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास अवेलेबल है आईफोन 13 और इस फ़ोन में अवेलेबल है जियो सिम कार्ड। अब यहां पर आपको 5G फ़ोन नेटवर्क सिलेक्ट करने के लिए अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा। जैसे ही आप सेटिंग्स में जाओगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल डाटा, उसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही मोबाइल डाटा के ऊपर आप क्लिक करोगे आपको दूसरे नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल डाटा ऑप्शन, उसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही मोबाइल डाटा के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो वॉइस एंड डाटा, उसके ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको 5G ऑटो, 5G ऑन और LTE। अभी इस फ़ोन में जियो सिम कार्ड इसलिए मुझे LTE शो कर रहा है। अगर वोडाफोन एयरटेल का सिम कार्ड होगा तो 2G और 3G भी मुझे शो करेगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं 5G ऑन और 5G ऑटो। अब यहाँ पर जो 5G ऑटो है उसमें आपके फ़ोन की बैटरी जब ज़्यादा चार्ज होगी तब ये आपके फ़ोन की बैटरी में वर्क करेगा, और यहाँ पर जो 5G ऑन है वो आपकी फ़ोन की बैटरी लाइफ ज़्यादा रिड्यूस करेगा, यानी जो बैटरी की लाइफ होगी इसे रिड्यूस जल्दी करेगा। समझ लीजिए 80% बैटरी है, 70% बैटरी है, तो वहाँ पर आपकी फ़ोन की बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होगी कंपेयर टू 5G ऑटो करते। अगर आपके पास चार्जिंग का ज़्यादा पॉइंट अवेलेबल है, जल्दी आप चार्ज कर सकते तो आप 5G ऑन रखें, और अगर आपका चार्जिंग जल्दी आप नहीं रख सकते तो 5G ऑटो के ऊपर इनेबल रखते। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।